प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, ज्योतिषाचार्य पंडित नयन नाथ पांडे की तरफ से ओ आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी रहे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नयन नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दकोट को धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। दोस्तों, यही प्यार स्नेह आप लोग देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपनी विद्वता के अनुसार आपको अधिक से अधिक कुंडली के बारे में, कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊँ और आप खुद कुंडली देखने के ज्ञान तक हो जाओ। आज एक बहुत अच्छा विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु शनि मंगल ग्रह की युक्ति आपके नौकरी, आर्थिक उन्नति, शिक्षा पर क्या प्रभाव देता है, कैसा फल देता है, इसको मैं विधिवत बता रहा हूँ, सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में गुरु शनि मंगल की युक्ति है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, ऐसे लोग कार्य करने की शैली बहुत अच्छी होती है, खुद निर्माणकर्ता होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, क्या बात दोस्त, ऐसे लोग बचपन से ही चतुर चलाक होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है, त्यागी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं। जिसकी कुंडली में चौथे भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे व्यक्ति पूर्ण विद्वान होते हैं, शिक्षित होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, संसद विधायक बनते हैं, समाज में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग संविधान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम उम्र से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, समाज में इनकी अच्छी पैठ होती है। जिसके कुंडली में छठवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है और कारण शत्रु पैदा कर लेते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र शादी करते हैं, ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, सरकार से इनको अच्छा पद मिलता है, ऐसे लोग आशावादी होते हैं और उद्योगपति बनते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति होती है, ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, परंतु इनको हड्डी संबंधी विकार होता है, रोग होता है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग गुप्त धन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग
व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग कभी बेरोजगार नहीं रहते, कभी कर्जदार नहीं। उसके कुंडली में दसवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में जो कुछ भी धन दौलत आता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। ऐसे लोग विवादों में नहीं पड़ते हैं, शंकित होते हैं, आलसी होते हैं और कम परिश्रम में अच्छा कमाने की अपेक्षाएं रखते हैं। जिसकी कुंडली में ग्रहवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं, इच्छा से अधिक इनको सफलता मिलता है। ऐसे लोग की सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होती है, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, ऐसे लोग का कभी कैरियर खराब नहीं होता। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में गुरु शनि मंगल की युक्ति, ऐसे लोग उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, दयालु होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, इनका जीवन आखिरी समय पूर्ण सफल रहता है। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फोन नंबर है जिसका समझ भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा फोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। इतना करते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।